और सुंदर भगवान कृष्ण की बाल लीला का स्पर्श बलो करेंगे। जय जय श्री राधे।
सबसे पहले भगवान निर्गुण है, जिनका कोई आकार नहीं। कई लोग कहते ना, परमात्मा का कोई आकार नहीं, मूर्ति में कैसे आए? तो मूर्ति में आए हैं, निर्गुण है पहले। किसी ने कहा राम बनो, राम बने। किसी ने कहा श्याम बनो, श्याम बने। भगवान हम सबके कहने पर लीला करते, हम सबके कहने पर अवतार ग्रहण करते हैं। हम भक्त बन गए अगर ठीक से, भगवान धरना चाट के यहाँ 6 महीना हल चलाए थे। कलयुग की कहानी है, भगत के बस में है भगवान। मंच का नियम है, आइए हम सब 2-4 बार नाम संकीर्तन तत्पश्चात बड़ी सुंदर कथा का आनंद लेंगे। जय राधा Thank you.
कई लोग कहते हैं भगवान जन्म मरण से परे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भगवान जन्म नहीं लेते, परमात्मा जन्म मृत्यु से परे, लेकिन संसार में भगवान आते हैं। संसार में आए तो संसार की सारी लीलाएं भगवान करते हैं। मैया कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज प्रकट हुए थे। मैया कौशल्या ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, छोटा बनना पड़ेगा, चार चार हाथ वाले इतने बड़े भगवान, इतना बड़ा बेटा कौशल्या का कोई मानेगा? भैया कौशल्या ने कहा बाल लीला करो, जैसी सुलीला तिप्रिय शीला, लोग कहेंगे इतने बड़े बच्चे को कौशल्या ने जन्म दिया, चार चार हाथ, सिर पर मुकुट लगाए, गले में हार पहने हुए, धनुष बाण लिए हुए, कौन मानेगा? जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख पर भगवान कृष्ण भी कारागार की भैया देवकी के सामने चार हाथ वाले प्रकट हुए। भैया देवकी रोने लगी, प्रभु आप बाल लीला करिए, चार चार हाथ लेकर के आने को आपने तो कहा ही नहीं था, आप कहे थे छोटा बन करके आऊंगा। भैया मैं चार हाथ लेकर क्यों आया हूँ बताऊ, मामा बड़े डेंजर है, अभी आवे तो लड़ने के लिए मारने के लिए मेरा मन करता अभी पटक करके मार दू, इसलिए चार हाथ वाला अनुभव कर आया हूँ। देवकी मैया ने कहा नहीं, हमें सारी लीलाओं का आनंद मिलना चाहिए, संसार वालों को सारी लीला का आनंद, क्योंकि बच्चे जिस घर में बड़े हो जाए ना, घर सूना लगने लग जाता है। आप अपने घर से ही ले लो, अगर घर में बच्चे बड़े हो गए, घर सूना लगने लग गया, सब अपने अपने कमरे में अपने अपने काम में मगन है,
एक ही बच्चा घर में तो सबको तंग करके रखता है, सबको खुश भी तो रखता है, खिलौना समझ लो। ये गृहस्थी ये घर बार इसीलिए बनाया गया, एक बच्चा बड़ा होगा दूसरा फिर आ जाएगा, दूसरा वो बड़ा हो जाए उसका बच्चा फिर पैदा हो जाएगा। ये गृहस्थी इसी से गृहस्थी अच्छी लगती है, नहीं तो गृहस्थी निरस है, बहुत दुख है गृहस्थी में। गृहस्थी सरस कैसे बनती है, इसमें नित्य नया उत्सव होना चाहिए। हमारी गृहस्थी जबकि जंजाल लिखा तुलसीदास जी ने, ये जंजाल है, लेकिन ये जंजाल भी मीठा लगने लग जाता, अच्छा लगने लग जाता है तब, जब गृहस्थी में हम सब हंसते बोलते रहे, बात बच्चे पैदा होते रहे, बढ़ते रहे, आगे सृष्टि बढ़ती रहे, घर की शोभा बढ़ती रहे। भगवान ने बाल लीला करी है, चतुर्भुज पर होकर प्रकट हुए, फिर माँ के कहने पर छोटा रूप धारण किया। कल हम आप सबने सुना वसुदेव जी, भगवान ने बताया मुझे नंद बाबा के यहाँ भेज दो गोकुल, जैसे जैसे भगवान ने कहा है वैसे वैसे वसुदेव जी महाराज ने किया है। संत जन कहते हैं वसुदेव जी ने जब भगवान को सिर पर उठाया तो हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, और जब उधर से माया को लेकर आए, माया कन्या के रूप में थी ना, माया को लेकर के आए तो हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई। तो कहते हैं संत जन जब जब हम परमात्मा का वरण करेंगे तब तब हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे, और जब हम माया का वरण करेंगे सारे बंधन से बंध जाएंगे। इसलिए माया से परे रहो। माया का मतलब क्या है, मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर साहब ने माया को खूब लिखा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीर आरोह, दो पाटल के बीच में साबुत बचा न कोई। तो वसुदेव जी ने जब योग माया को उठाया है लेकर के आते हैं, फिर बंधन में पड़ गई, योग माया चिल्लाने लगी। अब चिल्लाई तो पहरेदार जग गए, पहरेदारों ने जाती हुई भागते हुए जाकर के कंस से बताया आठवीं सप्तांत का जन्म हो चुका है। कंस और बड़ी में आधी रात को ही दौड़ पड़ा, नींद में था, उठता है लड़खड़ा करके धड़ाम से गिरा, फिर संभल करके दौड़ा। योग माया को पकड़ लिया है, जबकि माया पकड़ में नहीं आती, छूट गई। माया माने छाया, अपनी परछाई कोई पकड़ सकता है, अपनी ही परछाई ले लो, पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते। योग माया आसमान में उड़ गई, कंस को ललकारा है, दोस्त तू मृत्यु से लड़ना चाहता, तेरी मृत्यु का कारण फिक्स है, तू मरेगा, ब्रज चौरासी में तेरी मृत्यु का जन्म हो चुका है, मौत से कोई लड़ नहीं सकता है, चाहे जितना बहाना करो। कई लोग कहते डॉक्टर साहब सारा रुपया ले लो मुझे ठीक कर दो, जब चांस नहीं तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देंगे, चांस है तो डॉक्टर वैद्य हकीम ज्योतिषी सब बचा लेंगे, चांस खत्म तो कोई बचा ही नहीं सकता है। योग माया आठ भुजाओं वाली होकर आसमान में प्रकट हुआ, अष्टभुजी माता की जय। ये कौन है, कलयुग में इनका दर्शन करना चाहो तो कैसे करोगे। उधर आप जब जाएंगे मिर्जापुर क्षेत्र है, ये यूपी में उधर पड़ता है, अयोध्या से भी आगे प्रयागराज से आगे, वहां विंध्यवासिनी माता, मोबाइल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, विंध्यवासिनी माता विंध्याचल है, वहां वो बैठी है, वो भगवान कृष्ण की बहन मानी गई है। बोलिए अष्टभुजी माता की जय। अब इधर नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, बालक का जन्म हुआ है, जोर मचा हुआ, सब नाच गा रहे हैं, सखियां भी सज सज धज के सब पहुंच रही हैं नंद भवन में। कईयों के घर में बच्चा पैदा होता पूरे मोहल्ले में प्रसन्नता रहती है, गोप गोपी सज धज करके सब नंद भवन में पधारते हैं, चारों तरफ शोर मचा है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे।
देखते चांदी लूटी भागता हुआ जा रहा था, रख के आऊं फिर लूटूंगा, रास्ते में दूसरा मिल गया, कहां जा रहा है, रेत में सोना लूट कर आया, वही फेंक दिया भागा सोना लूटने के लिए, सोना लूट कर लौटा, फिर रास्ते में मिल गए मणि आभूषण। बसंत बाबा आज महादानी हो गए, दंत स्वात्मज उत्पत्ति जाता हाथों महामना, नंद बाबा आज महामना हो गए, बहुत बड़ी उपाधि है महामना की, इंटरनेशनल दानी को महामना कहते हैं। बधाई हो मैया, बधाई हो बाबा, अब तो गदगद है, पूरा नगर एकत्रित हो गया है, गोपी सज धज करके नंदालय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक 80 साल की बूढ़ी सी गोपी थी, उसने भी खूब श्रृंगार किया है, आँख कमजोर सी हो गई थी दादी की, आईने के सामने गई है लेकिन चेहरा नहीं देख पा रही है, आँख कमजोर है ना, तो माताओं के लिए श्रृंगार लिखा है। शादी विवाह के बाद 16 श्रृंगार की व्यवस्था बनाई गई है, माताएं श्रृंगार कर सकती है, बूढ़ी सी गोपी श्रृंगार कर रही आईने के सामने है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, उठाना चाहिए काजल, उठा लिया लिपस्टिक आंख में, यहां तक लगा लिया लिपस्टिक, अब लिपस्टिक की जगह सोचा लिपस्टिक लगाऊं, काजल लगा लिया यहां तक, गजब का श्रृंगार। हाथों में फूलों का गजरा, बाल में भी फूलों की बेड़ी लगाई है, सज धज करके जब रोड पर निकली तो जवान गोपियां ज्योति देख करके हंसने लगी, देख दादी तो बावली हो गई है, सब हंसेंगे, आंख में काजल लगा, अब तो सब बदल गया है, जिस रंग की साड़ी उसी रंग का काजल मस्करा सब चल गया है, पहले ऐसा नहीं था, अब तो लाल साड़ी तो लाल काजल आने लगा है, ऊपर पलकों पर मस्करा भी लाल गुलाबी सब होने लगा है, पहले काजल काजल जैसा होता था, काला ही होता था, अब तो हद हो गई है। दादी ने कहा जल रही हो मेरी सुंदरता देख करके, गोपियां कपड़ा मुंह में ठूस करके हंसे जा रही, दादी ने कहा इसीलिए तो मैं रोज श्रृंगार नहीं करती हूँ, तुम लोग मैदान छोड़कर भाग जाओ, फीकी पड़ जाओगे ना, दादी ने इतना बढ़िया कटु वचन कहा है व्यंगात्मक शैली में, गोपियां हंसते हंसते कहने लगी दादी तू है भी बड़ी सुंदर, एक भी दांत मुंह में नहीं फिर भी जच रही है, चमड़ी जुर्रियां पड़ गई फिर भी तू जच रही है, देख लो बड़ा बड़ा नेत्र तेरा, बड़ी बड़ी आंख, काजल बड़ा खिल रहा है, लाल रंग का काजल दे रहा है। दादी ने कहा दुनिया को रिझाने के लिए बाओ श्रृंगार की, आज अपने गोविंद से मिलने रिझाने जा रहे, बिना श्रृंगार के कैसे जाए, सब नंदभवन में पहुंचते जा रहे, एक दिन आगे बढ़ा, उत्सव में ही बीत रहा है, भगवान की छठी मनाई जाने लगी, नंद बाबा बीच में गोप लोगों को लेकर के कंस को कर देने के लिए गए थे, पहले राजा को टैक्स देना पड़ता था, आज भी राजा को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स से पूरा देश चलता है, हमारा आपका जो टैक्स जाता है ना चुपके चुपके कटता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता, आजकल जीएसटी भरने में कई लोग कहते हैं सरकार बहुत खराब है, पहले भी पब्लिक से पहले भी लूटते थे, मालिक भरता नहीं था, चोरी हो जाती, हमसे तो पहले भी लूटते थे लोग।